सीरीज दैट इज चौथा पीरियड एलिमेंट बोलो कथा सेट कर्म से को नहीं गुजर सेट कर्म से को नहीं गुजर मतलब कुल मिलाकर स्कैंडियम 21 से चेंग 30 सहमत होगी नहीं सब लोग बोलो अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 4D सीरीज इट्रियम 39 से कैडमियम 48 सहमत हो बेटा अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है तो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 और इट्रियम 39 से कैडमियम 48 जल्दी बोलो 5D सीरीज क्या होती है लैंथनम 57 ओवले हाफनियम 72 टू मरकरी 80 हाँ या ना हर पीरियड का लास्ट एलिमेंट इनर्ट गैस होता है 30 और 6 48 और 6 80 और 6 कोई प्रॉब्लम किसी को इसके बिना काम नहीं चल पाएगा ऑक्सीजन नंबर निकाल लेते सभी लोग एक्स मार के निकाल लेंगे बोलो ठीक है आइए कुछ एग्जांपल करते हैं चलो 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 चले आ जाओ भाई बिना वन बाय वन एग्जांपल करेंगे पहले दो तीन एग्जांपल मैं करूंगा ध्यान से देखिए मैंने ये कॉम्प्लेक्स दिया और मैंने आपसे पूछा निखिल की कुंडली बताओ कुंडली मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताइए ज्योमेट्री बताइए मैंने आपसे पूछा ये देखिए बेटा देखिए सभी लोग को मालूम है कि मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाती है तो किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाती है सबसे पहला काम होगा कभी भी किसी क्वेश्चन को चाहे किताबी तरीके से करिए कंसेप्चुअल तरीका या थोड़ी देर बाद बताएंगे पोरवाल ट्रिक सबसे पहला काम होता है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और लीगेंड का नेचर पता करना दिस इज ए वीक लीगेंड आया ना क्लियर है ना एक बार पूरी क्लास तीन टुकड़ों में स्पेक्ट्रोकैम का सीरीज बोले CO CN NO2 EN अमोनिया इडिटा NCS कोई दिक्कत वाटर ऑक्सीजनेट हाइड्रो ऑक्साइड कोई दिक्कत आई बर्बादी सचिन क्लास से फरा इज इट क्लियर अमोनिया के आगे वाले स्टॉप अमोनिया के पीछे वाले अमोनिया बॉर्डर लाइन पर है हमेशा स्ट्रॉन्ग चार के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग चार के साथ वो चार कौन है फिर मैं नहीं करूंगा इज इट क्लियर प्लस टू या प्लस थ्री वाटर एंड ऑक्सलेट कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ स्ट्रॉन्ग डीएमजी एनआई प्लस टू के साथ स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एनआई प्लस फोर के साथ स्ट्रॉन्ग पाई डोनेटिंग लीगल हमेशा हमेशा 4D 5D स्विच के मेंबर कुछ भी लगा दो हमेशा स्ट्रॉन्ग कोई शक है देखो तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड के नेचर को पता कर लेना कर लिया आपने हमने Ni प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमारे बच्चे जानते हैं फे को नी 26 27 28 निकिल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4H2 3D8 हमें प्लस टू का बनाना था तो प्लस टू का मतलब ये हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बोलो आया ना 4S0 हो गया ये तो पहले से जीरो था किसी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं 3D 4S के अंदर होता है इसलिए पहले हम लोग बनाएंगे 3D को 1 2 3 4 5 ये रहा 4S ये रहा 4P 4P 0 है 4S0 है 3D8 आपने अपने अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया किसी को डाउट बेटा अब आपने देखा कि ये लीगेंड जो है ये वीक लीगेंड अगर ये वीक लीगेंड है तो
इस कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? पक्की बात है, कॉन्फ़िगरेशन इसका यही रहेगा। अच्छा, कितने लिगेंड? चार। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है चार। कितने इंपटी चाहिए? चार। एक दो तीन चार। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू। हाँ या ना? अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरा या डाया? मेरे बच्चे ये भी जानते हैं जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो विकास प्रोफाइल की ट्रिक होती है मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर एन पॉइंट कुछ। बोलो यार, बोलो यार, आप किताबी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं अंडर रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेट्रॉन। यहां पे एन की वैल्यू आप रख दीजिए टू टू प्लस टू दो दो चार चार दूनी आ। अंडर रूट एट को जब सॉल्व करोगे तो टू पॉइंट कुछ ही आएगा एंड दिस इज पैरा मैग्नेट। कोई दिक्कत है किसी को? ये किताबी फार्मूला होता है, विकास पूर्वा ऐसे नहीं पढ़ाते। मेरा कहना है जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो दशम लो कुछ, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। थ्री अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट थ्री पॉइंट कुछ। फाइव अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट फाइव पॉइंट कुछ। अब चलिए करते उल्टा, करते उल्टा। मैग्नेटिक मूवमेंट है 2.57, तो बताइए अनपेयर कितने होंगे? दशमलव के पहले जो लिखा होता है वो अनपेयर। मैग्नेटिक मूवमेंट है 5.64, अनपेयर कितने होंगे? इज इट क्लियर? सो तो मेरे स्टूडेंट ने देखा, चाहे कॉन्सेप्ट से करें चाहे थोड़ी देर बाद जो पोरवाइट ट्रिक आएगी उससे करें, सबसे पहला काम होता है मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर और लिगेंड के नेचर को पता करना। इट क्लियर? आप चाहे तो एक काम और इसी में नोट करेंगे। पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर पता करना, लिगेंड का नेचर पता करना और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता करना। दैट इज फोर। पहला काम करने के बाद ही आप आगे का प्रोग्राम करेंगे, चाहे कंसेप्चुअल करें चाहे पोरवाल ट्रिक से करें। सबसे पहले आप लोगों ने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, आयन का कॉन्फ़िगरेशन। 3D अंदर होता है उसे अंदर बनाएंगे, 4s बाहर है, 4p उसके भी बाहर। लिगेंड चूंकि वीक है पेयरिंग नहीं होगी। चार कोऑर्डिनेशन नंबर है, चार इंपटी चाहिए, चारों को मर्ज कर दिया, सारी कुंडली आपके सामने आ गई। कोई शक? बोलो, कोई शक? निकलो पैरा एग्जाम्पल। अभी ट्रिक देखिएगा, ये पहली बार और आखिरी बार बता दिया, हम नहीं बताऊंगा मैं ये सब। अंडर रूट एन एल प्लस टू, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया होगा, भविष्य में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे वहां पर भी इसे बताएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में है ना, टेस्ट में सबसे लास्ट में। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, 8 नंबर। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, पूरा पढ़ाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिला के पढ़ाते हैं, दोनों सवाल सही होंगे। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया, एक और करके दिखाते हैं। ये समय लिखिए, नहीं लिखा लिख। आज हम लोग के बैच में 17 सवाल हो गए थे ना, 17 हो गए थे और हमने 17 सॉल्व किए थे। आपके नंबर के हिसाब से तो 30-35 हो गए थे। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चनों की थ्योरी। थ्योरी को मैं क्या कर रहा था? डब्बे में बंद कर रहा था। इससे आपके क्या तैयार हो जाएंगे? शॉर्ट नोट। कभी भी आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करनी हो फिजिकल केमिस्ट्री, यही शॉर्ट नोट से कर लीजिएगा रिवाइज, ठीक है? आइए जरा इसको शिफ्ट कर देते हैं, या शिफ्ट ना करें। बच्चे बताओ, लिख लिया तो बताओ, लिख लिया? अच्छा, तो मैं इतना बता दे रहा हूं, ठीक है? आइए दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, NiCN का होल 4-2। मैंने पूछा बच्चों इसकी कुंडली आपको बतानी है, क्या मेरे पास तैयार है? चल भाई पहला नाम बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। अपन को 3 चीजें देखनी होती हैं। आइए, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4।
इसके बाद हम लोग अपने दूसरे काम करेंगे, निकिल प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बगल में बना हुआ है। 3D चूंकि अंदर होता है तो पहले हम लोग बनाएंगे 3D को, फिर बनाएंगे 4S को और फिर बनाएंगे 4P को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या मेरी पूरी क्लास सहमत है? अब देखना लीगल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। पकवाड़ी मिशन नंबर 4 में D4 से D8 तक पेयरिंग होती है, कहां से कहां तक? D4 से D8। तो जवानों क्या ये दीदी पीछे जाएंगी? ओहो, हमारी बात मान ली इन्होंने। अच्छा 1, 2, 3, 4 सिचुएशन बच्चों यही तो बनेगी। अब सब लोग बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कितने एम्प्टी चाहिए? 4। अंदर वाला खाली है, इसको लेके चलेंगे। 1, 2, 3, 4 द हाइब्रिडाइजेशन इज DSP2। से बच्चों बोलो स्क्वायर डी है, ये कौन सा डी होगा? DX²-Y²। पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठिए क्लास, है ना, जब हम समझा रहे हैं सामने देखा करो। DX²-Y²। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलो जी, पैरा या डाया? जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा? खत्म। क्या दिख रहे हो? लिख लो, खत्म हो गया भैया। बड़ा सिंपल है, पूरी केमिस्ट्री ही बहुत सिंपल है, शर्त सिर्फ एक ही है, आपको पूर्वाल सर से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कह रहा तुम लोग की पढ़ाई करने वाले देखे ठीक, मुझे दूसरे के मुंह से पढ़ाई पसंद नहीं, मैं अपनी पढ़ाई खुद करता हूं, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, चलो लिख लो। अभी शुरुआत हुई है बच्चों, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो छोटे छोटे एग्जांपल आपको दिखाए। पहला काम होगा ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और नेचर ऑफ लिगेंड। चाहे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से करें, चाहे अभी ट्रिक बताएंगे उससे करें, ठीक है बेटा? चलिए भाई अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये आधा ऐसा तो लिख चुके हो ना, अगला एग्जांपल भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपको अच्छा लगेगा। क्यूप्रो अमोनियम आयन, सबसे पहले इसके नाम से फैमिलर हुई है, इसी को हम लोग स्विट्जर रिएजेंट कहते थे, याद है? इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व सेलुलोज, क्यूप्रो अमोनियम आयन। चलिए आगे बढ़ो, खेल चालू करें। पहला काम बोलो ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या प्लस टू आएगा बच्चों? अमोनिया फिर मैं नहीं करूंगा, के साथ वीक होते हैं बाकी सबके साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। अच्छा सहमत है, चलिए जब पहला काम कर लेते हैं तो दूसरा काम क्या करना होता है? Cu प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन बनाना। प्रॉपर डायटोमिक नंबर 49 बोलो, आया ना 4s1 3d10। किसी बच्चों को सब तो नहीं है, सक है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। 4s2 3d9 होगा, अपवाद होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है तो 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, इसलिए 4s1 3d10 हो जाता है। प्लस टू का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? दो। पहले हटाते हैं बाहर वाली सेल से एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे अंदर वाली सेल से, तो ये जीरो हो जाएगा और ये 9। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu प्लस टू। नहीं सहमत है? है? सहमत हो? पहले था 4s1 3d10, वो कॉपर का था, हमें कॉपर का नहीं बनाना, हमें कॉपर प्लस टू का बनाना, तो दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, पहले बाहर वाली से निकाला फिर अंदर वाली से निकाला, तो 3d9। 3d चूंकि अंदर है तो पहले 3D को बना देते हैं अपन लोग, 1, 2, 3, 4, 5, देन 4S, देन जवानों 4P, 4P 0 है, 4S 0 है, 3D 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो जब हम लोग ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग फिर ये देखते हैं कि लीगल अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग करवाता है। अब स्ट्रॉन्ग तो है,
लेकिन पेयरिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हो सकती। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, हमने चार एम्पटी को मिला दिया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3, और ज्योमेट्री क्या आई, टेट्राहेड्रल। लिखना मत अभी, लिखना मत, ठीक, आप सुनना। जब जिस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग करते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से क्यूप्रो अमोनियम आयन का भी हमने किया, तो हमने देखा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है और ज्योमेट्री आ रही है टेट्राहेड्रल। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस आयन को एक्सपेरिमेंटली देखा तो उन्होंने पाया कि इसकी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर प्लेनर के जैसी होती है। किसके जैसी? अब यार दिमाग खराब, ये क्या तरीका भैया, हमारे अकॉर्डिंग तो टेट्राहेड्रल आ रहा है, ये सारा स्क्वायर प्लेनर कैसे हो गया? सुनना, बहुत समय तक लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए कि आखिरकार ये स्क्वायर प्लेनर कैसे हो गया। तो एक वैज्ञानिक थे, हगिंस, डोंट वरी, हगिंस नहीं बोल रहा हूं मैं, उनका नाम था हगिंस, ऐसे नहीं हंसते ठीक है, हगिंस। हगिंस साहब ने इसके बारे में कुछ बताया, उन्होंने बताया जब कभी इस प्रकार की सिचुएशन डेवलप हो कि 3D9 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 3D9 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड को कुछ ना कुछ तो करना है, क्यों, क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग आदमी बिना कुछ करे निकलेगा नहीं, जाएगा नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो करना है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देता है 4p लेवल में, बराबर किसमें, 4p। ये सब हमको जानकारी किसने दी है, हगिंस साहब ने दी। तो उन्होंने बताया कि क्या होगा जब कभी भी 3D9 स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस आपके पास आए, तो आप कभी भी उसको sp3 नहीं लगाएंगे, 3d वाले एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे 4p लेवल में। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, आपने 4 एम्पटी ऑर्बिटल्स को मर्ज कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन dsp2, और सेफ हो गया स्क्वायर प्लेनर अनपेयर 1 पैरा मैग्नेटिक म्यू बराबर 1. कुछ समझ में आया? तो ये हगिंस का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, सर जब बहुत तेज आ रही होगी, नहीं नहीं, तब नहीं लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब 3D9 हो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो इन कोऑर्डिनेशन नंबर हो। इसलिए इस क्विप्रो अमोनियम पर हम लोग स्टार मार्क करें। अब क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों को हगिंस साहब ने बताया, D9 स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऐसी सिचुएशन में आप 3D वाले एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन को 4p में एक्साइट करवा देंगे, इज इट क्लियर, एंड द ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। तो ये ध्यान रखना, मैं लिखवा भी देता हूं, हगिंस का प्रिंसिपल लगना कब है, लिख भी देता हूं, D9 स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा, जो लिखते लिखते बोलना, अगर यहां पर हम वाटर कर देते, क्या कर देते, वाटर मान लो समझाने के लिए, तो ये Cl कर देते, मान लीजिए वीक लिगेंड कर देते, अगर वीक लिगेंड कर देते मान लो क्लोरीन कर देते, तो क्या तुम इसको वहां भेजते, तब नहीं भेजते। ये एक्साइटमेंट तभी हो पा रहा है जब लीगल कैसा है, स्ट्रॉन्ग। ओके बच्चों, चल, तो हगिंस का ये नया कॉन्सेप्ट भी हो गया। अगला पॉइंट, करें समय लिखे बताए करो यार, हटा दे इसको, नहीं जल्दी लिखो, खाली आता है, पानी गर्म रखा है, मेरी बॉटल यार छूट गई है, कोचिंग में छूट गई है, उसमें पानी गर्म लिखा, जल्दी से लिखा, मुझे पानी प्यास लग रही है, मैं आता है इसको। ओके, आइए अगला एग्जांपल, मेरे क्वाडिनेशन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन करा दिए, अब मैं अगला एग्जांपल लेके आ रहा हूं क्वाडिनेशन नंबर 6। चलिए, मेरी पूरी क्लास सबसे पहले बताएगी कि पहला काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3,
निकल कैसा है? वीक। फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है सिर्फ निकल प्लस फोर के साथ। किसके साथ? एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर A6। ठीक, आइए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोबाल्ट का प्लस थ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। फिर को आगे कोई बोले नहीं, फेको नहीं, फेको 26, 27, 28, 26, 27। तो इसका एटॉमिक नंबर 27 का मतलब हो गया 4s2 3d7 4d जी। अब बच्चों प्लस थ्री का मतलब है अपन को कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? तीन। सबसे पहले आउटर मोस्ट से दो हटा दिए, एक और हटाना है तो अंदर वाले से हटा देंगे, ये जीरो हो गया, ये 3d6। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? बोला करो यार, कोबाल्ट प्लस थ्री का बना लिया। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 3d को, अंदर वाला 1, 2, 3, 4, 5, फिर बनाएंगे 4s और फिर बनाएंगे 4p। 3d देखिए बच्चों क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? अब सुनना, फ्लोराइड वीक लिगेंड है, क्या बच्चों पेयरिंग हो पाएगी? नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो हमें चाहिए थे 6 इम्पटी ऑर्बिटल, चार तो दिख रहे हैं, दो नहीं दिख रहे हैं, तो 4p को और आगे ले गए 4d। आपको 4d भी बनाना पड़ेगा, ये भी इम्पटी पड़ा होगा 4d, 4p भी इम्पटी है, 4s भी इम्पटी है और 3d 6। आपको 6 इम्पटी चाहिए थे, आपने 6 इम्पटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिए। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। अब सुनना, आप लोग देख सकते हैं जिस सेल का s और p इस्तेमाल हो रहा उसी सेल का d इस्तेमाल हो रहा, तो इसे कहते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स। बच्चों बोलो क्या कहते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 4 point कुछ। किसी को प्रॉब्लम? तो जिसको पहले वाले एग्जांपल समझ में आए उसको ये भी समझ में आ गया। कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 3d अंदर होता है, चौथी सेल बाहर होती है, पहले 3d बनाएंगे, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d। क्योंकि फ्लोराइड वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करा सकता, जैसा था वैसे ही रहेगा। हमें 6 इम्पटी और बैटल चाहिए, 6 लोगों को पकड़ के मर्ज कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। ओके, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, और आउटर डी कॉम्प्लेक्स का एक नाम और होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर डी कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक। राइट, बोल रहा, कोई डाउट तो नहीं है? चौथा एग्जांपल करा रहा हूं मैं, कंसेप्चुअल ट्रीटमेंट। अगला एग्जांपल हटा दे इसको, क्या प्रॉब्लम लग रही बताओ? नहीं, साली के पीछे के बगल में कोई प्रॉब्लम लग रही बेटा? कोई प्रॉब्लम लग रही है? सोच लो, फर्जी में झूठ मत बोलना। विद्यार्थी के जीवन में अगर संकोच शब्द है तो उसका विकास वहीं पर रुक जाता है। याद है कुछ? विद्यार्थी जीवन में संकोच शब्द नहीं होना चाहिए, ना यहां पे तुम्हारा कोई दोस्त है ना कोई घर वाले हैं, सब अननोन है आपके लिए। आप आए थे यहां पर, अपना सवाल लेके खाली हाथ आए थे आप, समझ रहे मेरी बात? तो किसी को कोई डाउट? मुझे बस यही शक लग रहा है कि प्लस थ्री को कैसे बनाया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पहले कोबाल्ट बनाएंगे 4s2 3d7, बोलो। अब प्लस थ्री का मतलब तीन इलेक्ट्रॉनों को, तो 4s से 2 और 3d से 1, तो 4s0 3d6। ठीक है, चलिए एक अगला एग्जांपल करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। हटाते इसको, कोई लिख तो नहीं रहा है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं अगला एग्जांपल लेके आ रहा हूं, मेटल कार्बोनिल। आ जाओ, पहला काम बोलो ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड।
ऑक्सीजन से नंबर जीरो आएगा। सीओ इज ए वेरी स्ट्रॉन्गली गेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज, इतना काम तो आपको करना ही करना है, चाहे कॉन्सेप्ट से करें चाहे ट्रिक से करें। सबसे पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है ना, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ। क्रोमियम का होता है 4s1 3d5। मेरे भाई वैसे तो होता है 4s2 3d4। जैसे कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन s से निकलकर d में चला जाता है, वैसे क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन भी s से निकलकर d में चला जाता है। बेटा कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन तो और भी बहुत होते हैं, याद है बड़ी टेबल। कौन सुना पाएगा, कौन सुना पाएगा भाई सारे? हाँ टोपी बताएगा, बहुत तेज बोलना है। 24 20 में सबको मालूम, आगे बढ़ाओ। ठीक है कुछ भूल गया ये, 41, 42, 43 को छोड़ दिया, 44, 45, 46 को छोड़ दिया, 47, 78, 79, ये वो एटॉमिक नंबर होते हैं जिनमें s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। 24, 29 तो 12th के बच्चों को भी याद होते हैं। एक कंपटीशन के स्टूडेंट को इनके अलावा और जहां जहां जंपिंग होती है वो याद होना चाहिए। या फिर से हो जाए, 41, 42, 43 को छोड़ दिया, 44, 45, 46 को छोड़ दिया, 47, 78, 79। क्लियर? चलिए बेटा अब सब लोग जरा देखेंगे, कोई चार्ज तो है नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालोगे, राइट? पहले हम लोग बनाएंगे 3D, क्योंकि 3D अंदर होता है, 1 2 3 4। फिर बनाएंगे हम लोग 4s और फिर बनाएंगे हम लोग 4b। देखो बेटा मेरी बात यहां बैठे सभी बच्चे सुन ले, देखो आप सभी लोग जानते हैं CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होती है। बोलो बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन D5 पे पेयरिंग आराम से होगी, देखना पेयरिंग D3 के आगे से होती। बोलो बेटा, यहां बनाना भूल गए थे। अब देखिए S वाला इलेक्ट्रॉन भी निकलकर पीछे गया, बोलो बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां गया और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां गया। क्या मेरी पूरी क्लास सहमत है? जो भी पेयरिंग होती है D3 के आगे वाले इलेक्ट्रॉन पीछे जाते हैं, D3 वाले इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं जाते। हाँ या ना? CO NO जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो S वाले इलेक्ट्रॉन को भी पीछे ले जाकर पेयर अप कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इतने ताकतवर होते हैं, ना सिर्फ सेम सबसेल बल्कि डिफरेंट सबसेल के इलेक्ट्रॉन को भी पीछे ले जाकर पेयर अप कर देते हैं। इज इट क्लियर? आइए पेयरिंग होने के बाद देखते हैं नई सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है। सब पेयर हो गए क्या? किसी को डाउट है बेटा? ये 3D था, ये 4s4d। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हमको 6 इंपटी चाहिए, हमारा काम चल गया, मतलब 4d लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 ज्योमेट्री हो गई आपका हेडर। मेरे क्या क्या हो गया क्या? d2sp3 तो लिखा है, 1 2 3 4। अच्छा ये ऐसा है, हम बेफालतू में गर्दन उड़ा देते हैं, ऐसा ना बेफालतू में रेदन तोड़ देते हो। अरे क्रॉस नहीं बनाए तो दिक्कत है, हम एक भी नहीं बनाए, खाली जाओ लोग जाओ भी जरा बोला करो भाई। दूसरे सोचते क्या हो गया, क्या हो गया, हम सोचने लगते हैं ऐसा क्या हो गया, डिस्टर्ब जाते हैं। देखो तो d2sp3 ऑक्टेट बोल आए ना। अब देखो आपने चौथे का एस और चौथे का पी लिया, लेकिन डी आपने किसका लिया? अंदर वाले का, तीसरे का, इसीलिए इसको कहते हैं इनर डी कॉम। लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो, पैरा या डाया? तो ध्यान रखना बेटा, जिस सेल का एस और पी हो रहा उसी का डी ले रहे हो तो आउटर डी, और अंदर वाले का डी ले रहे हो तो इनर डी। क्लियर? ओके लिख लीजिए, इतने एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं।
ठीक है बेटा, अब आपकी बारी है। मैंने आपको तीन चार पांच पांच एग्जाम्पल करा दिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाइक CONO, ये इतने पावरफुल होते हैं कि S के इलेक्ट्रॉन को भी पीछे ले जाकर पेयर अप करवा देते हैं, राइट। और मैं आपको एक बात बताऊं अंदर की बात, 4S के इलेक्ट्रॉन हमेशा D के ही माने जाते हैं। किसके बोलो? क्योंकि आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन देख लो, S तो आया ही होगा, और अगर S पिक्चर में आया है तो S वाले को खाली होना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आप लोग 4S के इलेक्ट्रॉनों को D का ही माना करो, ओके। क्या अगले एग्जाम्पल में पेश करूं? आप लोग करके दिखाएंगे, चलिए करके दिखाना है आपको। आपको समय मिलेगा 30 सेकेंड। पहला काम करके सबसे पहले फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देखिए पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, बस हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। बेटा मेरी वाली बोतल लेकर आओ, इस बार ही लेंगे। घर पर बोला है लालू भी नहीं है, इसमें मत देखो, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी सही नहीं रहता है ना। इसको अपने पास रखो, नहीं पीलेंगे आज। कर लिया? कुछ याद है इसमें? सब लोगों ने कर लिया बेटा, बोलो। खाली शादी क्यों ले गए, क्या हो गया? अच्छा आओ बेटा, चलिए भाई सबसे पहला काम, मेरी पूरी क्लास फिर से बोल दे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या छोड़े है, किस करवाते हैं? आ यार मारो, मैं कुछ पढ़ने नहीं पढ़ा, मारो दौड़ते हुए ये कुछ पढ़ा रही हो भी रही है कि सब पति चल रहा है, आओ जरा मारो। लो भाई करके दिखाओ भाई, फटाक से मार कर, थोड़ा पीछे पकड़ो, थोड़ा पीछे पकड़ो, मार कर पीछे पकड़ो, और पीछे पकड़ो, हाँ प्लस फोर छह, और लीगल का नेचर ठीक, निखिल का एटॉमिक नंबर पहले लिखो, सोच लो, अब बोलो बोलो कितना होता है, कैसे पढ़ोगी, रटोगी क्या? फिर आयरन को वॉल्ड लिखे, आयरन कितना होता है? 26, 27, 28, तो आपको कुछ कह रहा है, तो आपको कह रहा है। चलो डरने की जरूरत है, आर योर फ्रेंड, चलो करो करो, बढ़िया 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 जा रही हो, ठीक है चलो बस। आंसर बताओ D2SP3 आ गया क्या है? और D2SP3 जब आया आने पर कितने आए? 0 आए, बोलो। बहुत बढ़िया, जाओ इसमें तुम पहुंच जाओ, चलिए रुक जाना, निकल जाओ, बढ़िया जगह पहुंचो, बढ़िया। तो केजीएस भेजते बताओ, ठीक जाओ केजीएस, चले जाओ। चलो क्या मुझे करने की जरूरत है? क्या मुझे करने की जरूरत है? सबको दिखाई पड़ गया, प्लस फोर में फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग लीग है, तो आगे से नंबर इज 6, निकल का बच्चों 28 होता है, 4S2 3D8, दो निकाले यहां से, दो निकाले यहां से, 4S0 3D6, तो ये बस बच्चों ने पी लिख दिया था, बस ये क्या होगा 3D होगा, और ये 4S है, ये 4P है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। चलो आगे का कर दे रहे, बिल्कुल सही किया।
छह चाहिए, दो तीन चार पांच, जान बुझ के नहीं लगाया है। ऑक्टाहेड्रल होगा इनर रेडी कॉम्प्लेक्स। बोलो बच्चों, पहला या डाया? डाया, अनपेयर जीरो, इसलिए डाया मैग्नेटिक। कोई दिक्कत? कोई बुरा नाम मान लिया, कोमल दीदी, ये लो ठीक। चलिए अगले एग्जाम्पल की तैयार है आप लोग? कितने लोग सही हुए हैं पक्का ना? अगला एग्जाम्पल करके दिखाइए। चलिए, एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। बराबर हो गया? वैष्णवी हुआ कि नहीं? हो गया। मेरा नाम क्या? सिद्धार्थ। हाँ भाई, चेतन कितना हो गया? सब लोग बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बिस्ती सी लग रही मेरी। हो गया बच्चों? मैं बताऊं क्या? बताऊं मैं? अखा बहुत देर साधे बैठा बेचारा, बहुत देर से, बहुत देर साधे बैठा था। चलो आओ भाई, चलिए देखते हैं। दीदी हुआ कुछ? क्या हुआ? नानी कुछ किया? पक्का बुला ले यहां पर? नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं। देखो अरे, सबसे पहला काम तो वही होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, लीगल बोलो स्ट्रॉन्ग, और आपकी बार कॉन्डिशन नंबर पांच है। इज इट क्लियर? देखना बेटा, हमने आयरन को बाहर खींचा, एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, किसी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा। इट इज 4s2 3d6 4p0। वैसे तो आपको मालूम है कि 4s के इलेक्ट्रॉन 3d वाले ही माने जाते हैं, फिर भी हम लोग दो तीन बार करके देख लेंगे। एक दो तीन चार पांच, ये 4s है। यार लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बड़ा मन कर रहा है, पता नहीं यार, बड़ा बड़ा थक गया एक्चुअली। देख रहा देख रहा देख रहा, थकावट दिखाई पड़ रही है सभी को? ऊपर करते करते नीचे कर दिया भाई, ये थकावट का असर है। आगे ये 3d6 बोलो बेटा, और ये 4s। अब आप लोग समझ तो गए होंगे क्या होने वाला है भाई। स्ट्रॉन्ग लीगेंड है भैया, पेयरिंग कराएगा, बोलो यार। इनको तो छुएंगे नहीं हम लोग। अब देख, मान ले ये गया इधर, मान लेते हैं तो ये गया इधर, आया ना, ये क्या हो जाएगा? 3d8 क्या हो गया? बोलो। और 3d8 भले 6 में पेयरिंग ना होती हो, 4 और 5 में पेयरिंग है। जब ये 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में गए तो ये 3d8 हो गया, और 3d8 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पेयरिंग नहीं करता है, नहीं 4 और 5 में। This is bar, इसलिए ये वाला भी यहां पर जाए। समझ में आ गया? तो बस इसके बाद तो कोई दम ही नहीं है। 1 2 3 4 5। और बच्चों आप लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर बताते हैं, ये पेयर हो गया, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये तुम्हारा 3d था, ये 4s था, ये 4p। पांच चाहिए, 1 2 3 4 5, DSP3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अनपेयर जीरो डाया मैग्नेट। बोलो आया ना, कितने लोग आ गया? लंबे हाथ, कुछ कम क्यों हो गए? लंबे खड़े हो, सही है, ठीक है। अच्छा इसको खड़ा करो, पकड़ो फाइनली, कहीं आई नहीं थी, कहीं आई नहीं, ठीक है ना, हो गया, सबका हो गया। कहीं किसी बच्चे को कोई संदेह तो नहीं? 3d8 में
पेयरिंग नहीं होती है, बोलो 3D8 में पेयरिंग नहीं होती है, इनक्वाइनेशन नंबर 6, ये इक्वाइनेशन नंबर 5 है, इसलिए पेयरिंग। जब ये दो इलेक्ट्रॉन एस वाले पीछे गए, ये 3D6 से 3D8 बन गया, चूंकि क्वारिनेशन नंबर 5 है इसलिए D8 में पेयरिंग होगी, इसको भी पीछे भेजे। अब मेरी बात सुनिए, कॉपी पेन बंद कर दीजिए। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, किताबी तरीका खत्म हो गया, अब इसलिए D8 में पेयरिंग होगी, इसको भी पीछे भेजे। अब मेरी बात सुनिए, कॉपी पेन बंद कर दीजिए। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, किताबी तरीका खत्म हो गया, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की कुंडली इस तरीके से कर सकते हैं। मैं तुम्हें अब जो बताने जा रहा हूं कि आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, और थोड़ी बहुत नहीं 10-20 गुना बढ़ा देगा, लेकिन जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं इसको बायो के तरीके आपको याद करना पड़ेगा। कोई कंपलसेशन नहीं है, करना है करिए, ना करना है ना करिए। अगर कॉन्सेप्ट से करना चाहती है तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, अगर अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इन ट्रिकों को बायो के तरीके याद करना पड़ेगा। एक बार अभी याद कर लेंगे जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, और एक बार एग्जाम के पहले वाले दिन रिवाइज कर लेंगे, जस्ट एग्जाम के पहले वाले दिन रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो आइए मैं आपको बताऊं कुछ ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आपकी स्पीड को 100 गुना बढ़ाएंगे कम से कम। पहले आते हैं क्वारिनेशन नंबर 4। क्वारिनेशन नंबर 4 की ट्रिक्स क्या है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा सबसे पहला काम ही होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखिए, आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, अगर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाए, मतलब बोलो क्या आ जाए, तो बिल्कुल सोचिए मत, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 0। अगर क्वारिनेशन नंबर 4 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रही है तो कुछ मत सोचिए, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 0। क्लियर बेटा? एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला NiCO का होल 4, मैंने बोला NiCN का होल 4 -4। अगर क्वारिनेशन नंबर 4 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रही है, अपनी आंखों को बंद करो, हाइब्रिडेशन sp3 होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। दो एग्जांपल आपके सामने पेश भी कर दिए, बहुत ही रेयर होता है ये वाला। सबसे ज्यादा कॉमन होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर आए +2। बेटा बोलो क्या, आप वर्नर थ्योरी से देख चुके हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है तब क्वारिनेशन नंबर 4 होता है। देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो सबसे पहले देखिए लिगेंड का नेचर क्या होगा, जो आप पहले स्टेप में देख चुके होंगे, स्ट्रांग होगा या वीक। सुनना, अगर लिगेंड का नेचर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग लिगेंड क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं, जब स्ट्रांग लिगेंड पेयरिंग कराएगा तो अंदर वाला डी खाली हो जाएगा, जब अंदर वाला डी खाली हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, सेफ होगा स्क्वायर डी। वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तो करा नहीं पाते हैं, इसलिए डी खाली नहीं हो पाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और सेफ होगा टेट्राहेड्रल। बच्चों को डाउट सब समझ देखें, ऑक्सीडेशन नंबर 0, आंख बंद करो, sp3 अनपेयर 0, ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवा देगा हाइब्रिडाइजेशन dsp2, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब मेरे बच्चों के अंदर सवाल आया कि यहां तो गुरुजी आपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी बता दिए, जरा यहां भी बता दो तो मजा आ जाए। हाँ, आप सुनना, इतनी चीज बहुत से लोग और भी बता देते हैं, जरा आगे देखिएगा, आगे सुनिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक पोरवाइल ट्रिक है, निकाह पर पंडित, ओ माय गॉड, निकाह पर पंडित कोहू को मना लाया, बगा लाया नहीं मैं, कोहू को मना लाया, निकाह पर पंडित कोहू को मना लाया, निकाह
शुरू के जो तीन है अगर स्ट्रॉन्ग लीगल इनके साथ है तो अनपेयर्ड जीरो होते हैं, और अगर वीक लीगल इनके साथ लगा है तो अनपेयर्ड दो होते हैं। बोलो कितने होते हैं? दो। और बाद के तीन अगर है स्ट्रॉन्ग लीगल अगर लगा है तो अनपेयर्ड एक होते हैं, और वीक लीगल अगर लगा है तो अनपेयर्ड होते हैं 1, 3, 5। बोलो क्या होते हैं? कॉपर विद वीक लिगेंड अनपेयर्ड 1, कोबाल्ट विद वीक लिगेंड अनपेयर्ड 3, मैग्नीज विद वीक लिगेंड अनपेयर्ड 5। क्लियर? बढ़ाने देखो तुम्हें क्या लग रहा है? अबे 500 कॉम्प्लेक्स खत्म हो गए 500। अब इसके साथ तुम चाहे सीएल लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, साइलाइड लगाओ, सीओ लगाओ, कुछ भी लगाओ, बताओ ना। एक मेटल दसियों लीगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 × 6, 60। बात समझ में आ रही है? तो निकाह पर पंडित कुहू को मना लाया। पहले तीन स्ट्रॉन्ग लीगेंड 0, वीक लीगेंड 2। बाद के तीन स्ट्रॉन्ग लीगेंड में सेम आंसर आता है 1, वीक लीगेंड में आंसर आता है 1, 3, 5। ओके, तो ये रहा आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ट्रिक्स। ठीक, लिखो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। अगर 0 है तो कुछ सोचिए मत, sp3 अनपेयर 0। अगर +2 आ रही है तो देखिए लीगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो dsp2, वीक लीगेंड है तो sp3। बात करें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, निकाह पर पंडित कुहू को मना लाया, कोई कुहू आया है तो नहीं, हाँ होना नहीं चाहिए। जो काम तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखकर कर रहे थे, फिर पेयरिंग करा रहे थे, फिर एम्प्टी ऑर्बिटल को चेक करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, ये सारे काम आप देखिए खत्म हो गए। बोलो ना, क्लियर सबने? एक बार बस ऐसे ही मैं बगीचे में टहल रहा था, टहलते टहलते ये ट्रिक दिमाग में आ गई। वो दिन था सोमवार का, समय था सुबह का 4:15। क्या लपेट रहे हो? सही कर रहे हो, सही कर रहे हो गया। अब मैं चाहूंगा कि मैं एग्जांपल देने से पहले ये तुम्हारे दिमाग में चिपका दूं, या चिपका लो दिमाग में। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर ऑक्सीडेशन 0 आई तो sp3 अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। अगर +2 आया तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड तो पेयरिंग हो जाएगी, बोलो ना, हाइब्रिडाइजेशन। और वीक लीगेंड तो पेयरिंग, हाइब्रिडाइजेशन। बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्रिक क्या थी? निकाह पर पंडित कुहू को पहले तीन स्ट्रॉन्ग लीगेंड, यस सर, क्या बोल रहे हो? स्ट्रॉन्ग लीगेंड, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, वीक लीगेंड, वीक लीगेंड। बाद के तीन स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड। ओके, देखो मैं अक्सर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था कि यहां पे एन बराबर 1 था या 2 था, मैं हो जाता था। तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया कि 1, 1, 3, 5 के साथ 1 है, 1, 3, 5 के साथ, 1, 3, 5 के साथ, तो यहां क्या होगा? तो एक कंफ्यूजन जो मुझे होता था वो भी मैंने आपको बता दिया कि मैं अक्सर भूल जाता था कि वीक लिगेंड में यहां पर n बराबर 2 होता है या n बराबर 1। तो मैंने ऐसे याद किया 1, 3, 5 के साथ 1 है। ओके, याद हो गया? एक बार हो जाए, अब एक बार हो जाए, बताओ। प्लस कॉन्डिशन नंबर 4, 0 sp3 अनपेयर, +2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, +2 वीक लिगेंड, +2 में नंबर ऑफ अनपेयर, निकाह को पहले तीन स्ट्रॉन्ग लीगेंड, पहले तीन वीक लीगेंड, बाद के तीन स्ट्रॉन्ग लीगेंड, बाद के तीन वीक लीगेंड, 1, 3। सहमत है सब लोग? आइए आप करेंगे एग्जांपल की मैं करूं। चलिए अब आप लोग जो आंसर बताएंगे ट्रिक से बताएंगे। सबसे पहला काम आप जानते हैं क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर, नेचर ऑफ लीगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकालोगे? 4 का केस चल रहा है,
सारे देख बच्चा कहता सर ऑक्सीडेशन नंबर की भी ट्रिक बता दो तो मजा आ जाए। अब भैया वो ना कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी। आते हैं धरती पीके वाले होते हैं।